आओ बेटा जल्दी से शुरू करते हैं गेस्ट पेपर नंबर 4 पार्ट बी फटाफट कवर करते हैं। आरएफओ 15 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में आरएफओ इनटू में 100। ये क्या निकलेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। COGS कितनी है बोलो? COGS मुझे नहीं पता, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है? 15 लाख में से कितने गए? 6 लाख। 6 लाख प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना आ गया बोलो? नहीं जी, जल्दी बोलो क्या आ रहा है? 6,75,000 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ रहा है बोलो? मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 40। अब देखो कुछ लोगों को आंसर पता है, बस उनको पता है 55 बोलना है। क्या निकाली है हमने? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्या निकाली है? और आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, 100 माइनस 45 इज इक्वल्स टू, तो आंसर क्या आएगा बोलो? सी 55,000 रुपए, सॉरी 55%, 27th का सी पार्ट होगा सी। आगे अनक्लेम डिविडेंड कहां दिखाई देता है? हाँ, अभी हाल फिलहाल यही मान लो, वो टेक्निकल टर्म्स में जाओगे तो कुछ हल्का सा फर्क है। कंपनी ने दिया नहीं अनक्लेमेबल, लोगों ने मांग, लोग ट्रेस ही नहीं हो, नॉन ट्रेसेबल है, करंट लायबिलिटी हो गई। हमने तो लायबिलिटी बना के छोड़ दी, लिया ही नहीं लोगों ने। हाँ, वो करंट लायबिलिटी में आएगा ना। बेटे एक बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्यों सोचना? हमने इन्वेस्ट नहीं, बेटे नॉर्मली भी पूछता था उसे अनक्लेम डिविडेंड को लायबिलिटी मानते, अभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट किया होगा, हमें डिविडेंड नहीं मिला होगा, हम इशू कर रहे हैं। भाई इन्वेस्ट किया होता तो बोलता। तो क्या है वो? करंट लायबिलिटी। क्या है वो? 27 का और वाला क्या है? सी। क्या है? 28 पे आओ। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अदर इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सेल ऑफ स्क्रैप। क्यों? पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है। Which of the following is not a component of the other income? देखो फैक्ट्री वालों के लिए सेल ऑफ स्क्रैप आरएफओ का ही पार्ट है। जिनका प्रोडक्शन हाउस होता है ना, उनका सेल ऑफ गुड और सेल ऑफ स्क्रैप दोनों आरएफओ का ही पार्ट है। 28 का क्या है? सी। 29th का क्या है? पढ़ो, परचेज ऑफ बिल्डिंग कैसी एक्टिविटी है? मतलब पहले का 3, दूसरे का प्रेफरेंशियल रिडीम करना और डेप्रिसिएशन लगाना ऑपरेटिंग है। क्या बनेगा? सी पार्ट। और पे आओ, और पे पढ़ू। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज दैट आर नॉट इन्वेस्टेड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अनुवाद करो हिंदी में। कह रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। हाँ ट्रू है भाई। और बाकी जो बच गई वो कौन सी? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है। ओके रिपोर्ट है। इन्वेस्ट नहीं,
सेकंड पार्ट पे आओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दान एट द एक्टिविटी रिजल्ट्स चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल एंड बोरिंग ऑफ द ना 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 ये तो कहां होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। तो इसका क्या है, पहली बात सही है, दूसरी बात लकी, दूसरी बात का क्या मतलब है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल एंड बोरोड फंड। फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट समझ नहीं आया, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रोजमर्रा वाली एक्टिविटी एक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ, किसी एंटरप्राइज की, एंड और जो अदर एक्टिविटी है एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती वो भी ऑपरेटिंग में आती है। हाँ, जैसे करंट एसेट और करंट करंट नॉन करंट एसेट कहां चली जाती है, इन्वेस्टिंग में, और नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड कहां चला जाता है, फाइनेंसिंग में। तो बाकी जो सब कुछ बच गया वो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। तो पहली बात सही, दूसरी बात गलत, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, और का 29 के और का सी। 30th, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर टू बी कंसीडर्ड एज, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कहां पे आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है कैश फ्लो के हिसाब से है, कहां नहीं आता बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश फ्लो में कभी नहीं देखा तूने, प्रभु बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है कि नहीं आता, कह रहा सुना होगा। हाँ तू ठीक कह रहा है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग से वो एक्सक्लूड है, उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसमें कैश क्रेडिट भी आ जाएगा वहीं पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही। 31 क्वेश्चन पे आ जाओ, हाँ 31 पे आ जाओ, नेम द मेजर हेड एंड सब हेड, हेड और सब हेड बताओ। पहला पब्लिक डिपॉजिट, क्या बताना है, बोलो जी बोलो क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड, करंट लायबिलिटी, अदर सीएल, गुडविल, नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर स्पेयर्स कहाँ है, फिर इन्वेंट्री, आगे डिबेंचर्स, मैच्योर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुश्किल है कि आसान है, थर्टी टू क्वेश्चन पे आ जाओ, 32 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है 32, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या निकाल के दिखा दो, मैं भूल गया फॉर्मूला, COGS अपॉन, बेटे आपको कसम होगी किसी ने COGS लिखा तो, कॉस्ट ऑफ, नहीं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, चलो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, लो कर लो बातें, COGS का फॉर्मूला होता है RFO प्लस ग्रॉस लॉस,
आरएफओ कितना है 16 लाख, ग्रॉस लॉस कितना है 5%, साइलेंट है तो किसका होगा? अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है ना, तो इसी का 5% ऐड कर दो, 5% ऑफ 16 लाख, 16,80,000, 16,80,000 डिवाइड बाय एआई कितनी है बताना कितना हो गया? 7.63 times, 7.63 times. अगला क्या है बताओ? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? आरएफओ अपॉन क्या गिवन है? अच्छा बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, तो आरएफओ का फॉर्मूला हो गया जीपी अपॉन जीपीआर, 5 लाख जो है वो 25% है तो कितने की सेल हो गई? 20 लाख की। भाई ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है तो आपकी सेल्स 20 लाख की आ गई। सेल्स कितने की आ गई बोलो? 20 लाख की। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? गिवन है क्या? सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीए कितनी है और सीएल कितनी है? 7 लाख, 2 पॉइंट क्या आएगा? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने आई पर इसके आंसर की, मैं देखना 2 पॉइंट एक बार देख लो, कुछ गलती तो नहीं करी हमने? पच्चीस लाख ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। कितना परसेंट था? 25% किसका था? यदि 25% ऑन कॉस्ट था तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ, इसका मतलब ये 25 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 20। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो 25 लाख हो गया ये 3.57 times। बस हमने ये नहीं देखा, हमने देखा 25% हम टूट पड़े। क्या है 25% ऑन कॉस्ट? एक 25% का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स। तो ये रहा भाई, भाई वीडियोग्राफी बाद में कर लियो यार, हम कर तो रहे हैं। चले आगे, नोट कर लो इसे। कैश फ्लो कराना है इसका, कैसे कराई दो? बनाओ फॉर्मेट, बनाओ आओ जी बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ गए हम, लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ो जी। एक्स वाई जेड कंपनी है, फॉर्मेट मैंने आपके लिए पूरा बना दिया, शुरू करते हैं फटाफट। शेयर कैपिटल 8 लाख से कितना हो गया बोलो? शेयर कैपिटल 8 लाख से कितना हो गया? तो क्या लिखोगे? प्लस
अच्छा ठीक है, प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे देखो लिखा हुआ है चार से सात, 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने लाख? 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस खोल के दे रखा है, जनरल रिजर्व 1 लाख से कितना हो गया, तो जनरल रिजर्व में कितने आ गए? प्रॉफिट दे रखा है -50,000 से 4.5 लाख, कितने का प्रॉफिट हो गया बोलो? 5 लाख का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स जो कि 1 लाख से कितने के हो गए? 5 लाख के। डिबेंचर इशू कब हुए? अक्टूबर में। कब इशू हुए? तो जाओ लिखो प्लस इशू ऑफ 10% डिबेंचर, कितने? 4 लाख। माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगले पेज पे देखो, न्यू डिबेंचर्स आर इशू ऑन 1st of October। तो 1 लाख पे पूरे साल का और अगले 4 लाख पे 6 महीने का कितना हो गया? 10,000 और 30,000 नहीं हो गया भाई? 1 लाख पे कितना लगेगा यार बेटा? 1 लाख से कितना हो गया बोलो? 5 लाख। 4 लाख के कब इशू हुए हैं? अक्टूबर में। तो 1 लाख पे पूरे साल का, 4 लाख पे 6 महीने का। 1 लाख का 10,000, 4 लाख का 40,000, 6 महीने के लिए 20,000, 20 और 10, 30,000। किस पे? 1 लाख साल के शुरुआत से थे उसमें तो पूरा, और आप 4 लाख वालों पे कितने महीने का? 6 महीने का। हाँ या ना? तो कि भाई बताओ क्या करेंगे, कितना हो गया? यहां से माइनस करोगे और यहां क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कितना? 30,000। ये सुन लो, करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस बैंक ओडी, कितना? 10,000। ट्रेड पेबल कम हो गए, माइनस ट्रेड पेबल, कितने कम हो गए बोलो? बोलो भाई बोलो, 31। आगे चलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, पिछली बार 65 था, इस बार 80 है। पिछली बार 65 था, इस बार टैक्स पेड 60,000 है। पेड कितना है? तो यहां से मेड निकल आएगा। क्या निकल आएगा यहां से? कितना हो गया बताओ? 75 यहां ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और यहां से टैक्स पेड कितना माइनस होगा? 60,000। हाथ देख लो कैसे चल रहा है, डबल एंट्री में सब कुछ वहां पुट करके फिर वहां एकदम सही तरीके से, कुछ भी छोड़ नहीं रहे, कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ रहे कि बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, हाथों हाथ निपटाते चले जा रहे हैं हर एक पॉइंट को। कोई डाउट यहां तक? क्या मैं आगे चल सकता हूं? अब बताओ क्या हुआ, अदर करंट लायबिलिटी में कुछ गिवन है? कुछ नहीं। अदर करंट लायबिलिटी कम हो गई तो माइनस अदर करंट लायबिलिटी 10,000, अदर करंट लायबिलिटी। अब एसेट्स पे आ जाओ, एसेट में पीपीई है, पीपीई को नीचे खोल के दे रखा है, दो चीजें हैं, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग। क्या है? प्लांट मशीनरी और, अच्छा जी, पहले मशीनरी वाले पॉइंट पे आ जाओ, प्लांट मशीनरी का अकाउंट बना लो। साल के शुरू में प्लांट मशीनरी कितने की है? बीडी कितने की है बोलो? और क्लोजिंग में कितने की है? 230। अगले पेज पे पढ़ो क्या लिखा है। अब मशीन कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 40,000। वर्ड क्या लिखा है?
उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसकी डेप्रिसिएशन कितना है उस पे, तो बताओ उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, ओसी माइनस डेप्रिसिएशन। चालीस कितने की चीज है, 40 पे डेप्रिसिएशन कितना है, कितने की चीज है, सोल्ड कितने में करी है, 8 में, तो 8 का क्या हो गया लॉस 8000 आ गया। फिर बाय बताओ यहां क्या लिखोगे, बाय बैंक कितना, 8 की बेची, बाय पीएनडल 8 का लॉस, 8 की बेची 8 का लॉस, 8 की बेची 8 का लॉस। कोई डाउट आगे, क्या मैं आगे चल सकता हूं, आगे चलते हैं, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, एक है फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, बाय डेप्रिसिएशन 60,000। मैं बताता हूं बच्चे गलती क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये वाला 24,000 डेप्रिसिएशन लगा देंगे यार, ये वो डेप्रिसिएशन है जो इस पार्ट का है, ये मैंने इसलिए माइनस किया है कि मैं बुक वैल्यू से लॉस निकाल सकूं, इस डेप्रिसिएशन का इस अकाउंट से कोई लेना देना। सर पर सर आप कभी कभी तो डालते थे, कब डालते थे, जब मशीन के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता होता था, तब इस 24,000 को हम उस अकाउंट में डेबिट करते थे और यहां क्या करते थे, क्रेडिट। फर्क को समझो, वो तब था जब ग्रॉस बुक वैल्यू मेथड था, ये तब है जब नेट बुक वैल्यू मेथड है। इसी 24,000 के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करते थे और मशीन में क्रेडिट करते थे, कब, जब ग्रॉस था। अब नहीं करेंगे, और मुझे पक्का पता है तुम ऐसे नालायक हो कि तुम में से कहीं ना कोई एक तो ये से गलत कर ही आएगा, ये 24 यहां पे नहीं आना। पर ऐसे हमने पहले कई क्वेश्चन करे हैं, उसमें देखा था कि ऐसे नहीं करना। चले आगे, अब यहां से बताओ परचेज कितने की निकल आई, करो वन एट्टी पक्का। चलो आगे चलो, लिखो यहां पे इन्वेस्टिंग में जाके लिखो माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 186। आगे चलो प्लस सेल ऑफ मशीन 8,000 प्लस लॉस ऑन मशीन प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, दोनों कितने हैं 8,000 कितने हैं 8,000 ही तो थे, नहीं सॉरी लॉस 8,000 था, डेप्रिसिएशन कितना था 60,000। ये सुन लो, वो तो 8,000 सेल थी लिख दी वहां। चलो आगे, चलो जी ए बी सी डी चारों पॉइंट हो गए, एक नोट रह गया, पिछले साल डिविडेंड कितना दिया था, तो कौन सा लेंगे, पिछले साल वाला इस साल वाला, पिछले साल वाला ऐड करो, डिविडेंड 40 माइनस करो डिविडेंड पेड 40,000। आगे चलो, आगे चलो, अब पढ़िए बिल्डिंग, क्या पढ़िए बिल्डिंग 7,00,000 से कितने की हो गई 10,00,000 माइनस परचेज ऑफ कितने लाख की 3,50,000 की माइनस बिल्डिंग के बाद क्या है इनटेंजिबल एसेट गुडविल 0 से 160 हो गई माइनस परचेज ऑफ गुडविल माइनस एक साठ। चलो आगे हो गया जी। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी किसका पार्ट है सीसी का पार्ट है। कितना है ओपनिंग सीसी
एक साठ प्लस एक पांच है, ठीक है वो तुम लोग कर लेना। और क्लोजिंग कितना है बेटा बताओ? दो नब्बे प्लस, यार वो ना गलत टाइप है, वो दो साठ होना चाहिए। दो आंसर के हिसाब से देखिए क्या है, वो दो साठ ही है ना, वो दो साठ है ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ दो दो लाख साठ हजार छह सौ में लगता है एक जीरो फालतू लगा हुआ है। एक हाँ एक साठ और एक पांच कितने होते हैं? 265। और ये कितना है? 550। तो ये कितना आएगा? 280। मतलब तीनों का आंसर मिला के 285 आना आए या ना आए, हम तो ये लिख के आएंगे। आगे चलो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्या रह गया बोलो? इन्वेंटरी। दो सी से कितने की हो गई इन्वेंटरीज? कितनी है बोलो, बोल दो भाई। एक तीस माइनस दो सी से चार दस हो गई ना बेटा। इन्वेंटरी में देखो ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं माइनस, कितने बोलो? एक पचास। चलो ये पांच लाख था ना, पांच और दो सात, सात चालीस, सात चालीस प्लस पिछहत्तर आठ पंद्रह, आठ पंद्रह में ऐड करो 98, कितने हो गए? नौ तेरह, यही बता दो यार, एकदम बता दो यार। नौ तेरह आंसर में, नौ तेरह है। चलो कोई बात नहीं, एक तीस और एक तीस दो साठ, दो सत्तर, तीन सत्तर, फोर ट्वेंटी। फोर ट्वेंटी माइनस करके क्या आ रहा है? फोर माइनस कर, फोर फोर नाइन्टी थ्री, फोर क्या लिखोगे? कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, बताओ क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है भाई? देख हमारे हमारे हिसाब से 30 बन रहा है, हमने 30 बना दिया, अब क्यों 27 है पता नहीं। एक लाख के डिबेंचर यहां थे, चार के इशू करे, पांच के हो गए, 10% ब्याज है तो 30 ही तो बनता है, 27 कैसे? कितना है? ओ हमने हमने कितने से सॉल्व कर लिया? कोई बात नहीं, अब वो यहां और वहां इंपैक्ट नलिफाई हो गया ना, चिंता ना करें, हमने 10 कर दिया, हो गई गलती। तीन हजार का तो फर्क आएगा, ठीक कह रहे ना, 30 और 27 तीन का फर्क आएगा, कोई बात नहीं, आप बस ये देखो ठीक, अल्टीमेट आंसर तो ठीक ही आएगा भाई। यार नहीं समझे बात को, नहीं यहां प्लस हो रहा है वहां माइनस हो रहा है, बात तो वही आएगी। ये बताओ कितना आ रहा है? 688 नेगेटिव। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये बोलो कितना आ रहा है? तीन और चार सात, सात दस, सात दस में से क्या आ रहा है बोलो? ये 40,000 नेगेटिव है, ये 30,000 नेगेटिव है, ये 1,00,000 नेगेटिव है, पांच चालीस पॉजिटिव आ गया, पांच चालीस और फोर थर्टी थ्री
बताओ भाई बताओ, 540 और 433, 973 में से 688 माइनस कर दो, ये सही बताना है तुक्का भी, 280, तो भैया हमारा आंसर क्या कर गया, मैच कर गया। अब नहीं भी करे तो 285 छोड़ना मत, 285 ही है। तुम्हारे चार पेपर की क्या खत्म हो गई, सेकंड पार्ट जिसमें से हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज, वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे।